यूपी के आगरा में उज्ज्वला योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब महिलाओं की आंखों में धुआं जाने की पीड़ा को देखते हुए घर घर गैस कनेक्शन पहुंचाने के लिए उज्ज्वला योजना चलाई गई, लेकिन भ्रष्टाचारियों ने गरीब महिलाओं को भी नहीं बख्शा। मामला आगरा जिले की किरावली तहसील क्षेत्र के गांव दुरा का है। यहां की गैस एजेंसी ने उज्ज्वला योजना के कनेक्शन करने के नाम पर आवेदन लिए थे। गैस एजेंसी ने उनका कनेक्शन कर दिया, लेकिन गरीबों को मिलने वाला उनका हक गैस सिलेंडर चूल्हा आदि एजेंसी ने नहीं दिया। जब लोगों ने अपने कनेक्शन की जानकारी लेनी चाही तो हर बार गैस एजेंसी संचालक के द्वारा उनको ये कहकर वापस भेज दिया गया कि उनका कनेक्शन नहीं हो पाया है। लेकिन इसकी पोल तब खुली जब कोरोना वायरस महामारी के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को राहत देते हुए 3 सिलेंडरों के पैसे उनके खाते में भेजे। जब लोगों के खातों में गैस सिलेंडर की सब्सिडी आई तो लोगों को जानकारी हुई कि काफी समय पहले ही उनका कनेक्शन तो हो गया, लेकिन उनको मिलने वाला हक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। वहीं पूरे मामले पर आपूर्ति इंस्पेक्टर ने जांच कर जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अब देखना यह है कि पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने वाले लोगों पर कार्रवाई कब होती है। साहब अभी कम से कम 1.5 साल से घूम रहे हैं, 10 बार कागज जमा कर दे, अब कल परसों सिलेंडर हो चूल्ह और किताब कोई ना दे, और 200-200 रुपया दें 6-7 महीना पहले फिरोज है। फिरोज कौन है? दूरे का फिरोज है। इसी पे कहाँ की रहने वाली है? ओड़ेला की। ओड़ेला की दूरा गैस एजेंसी पे आई है, क्या समस्या है? हाँ, यही समस्या है, सामान मिलाना है और परेशान है, बहुत ज्यादा रहे लकड़ी है उतना, कहते रोटी खाना बनावे क्या करें। प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के लिए कि महिलाओं की आंखों में धुआं ना जाए इसके लिए सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेंडर दिए थे, आपको नहीं मिला? ना मिलो, कोई चीज़ ना मिली, परेशान है रहे हैं बहुत ज्यादा। कितनी बार कागज जमा कराए आपने? एक बार और कराया थे, अब जब फिर अब मंगाए तो फिर लेके आए हैं। अच्छा, कोई पैसे वैसे की मांग कर रहा है? हाँ, 200 रुपये पहले दे दिए मैंने जब फॉर्म भरे खाए जब। अच्छा, किसको दिए थे? वे मंगोली को, मतलब फोन नंबर तो खोएगा खोना जिनको भैया को मालूम, उन्होंने मंगोली खोई। उसने क्या आश्वासन दिया था? क्या आश्वासन दिया था उसने? उसने वे फॉर्म सब फॉर्म ले आएगा तो फोटो वोटू वगैरह सब ऐसी चीज़ें ले आएंगे थे और वे कागज में लग रहे हैं, मतलब हम देखे हमें शांति के नाम थे हमारे कागज जी। हमने कागज जमा करा दिए हैं, हमने उज्ज्वला के तहत वो कनेक्शन लिया था, 20-20 बार कनेक्शन के लिए कागज दे दिए हैं, पर कोई कनेक्शन मिलता है ना सामान मिलता है। तो चेक करवाया भी आपने? हाँ, चेक करवाया है, हमारे नाम पर कनेक्शन बोलता भी है। सामान नहीं दे रहे? सामान नहीं दे रहे, बार बार ये बोल देते हैं 2-4 दिन में कॉल आएगा, उसके बाद आपके वो कनेक्शन और सामान मिल जाएगा। ऐसे की पासबुक में आपके पास जो सब्सिडी आ रही है, जब आपके पास कनेक्शन ही नहीं है तो आपके पास सब्सिडी कैसे आ रही है? इस सब्सिडी का पता नहीं, हमारी कॉपी चढ़ी नहीं है बहुत दिन से। बैंक की पासबुक में इन्होंने अभी चेक करवाया ना आपने? हाँ, तो उसमें कनेक्शन बोल रहा है यहाँ पर? हाँ, कनेक्शन है हमारा, इसलिए तो कागज ले लिए हैं, इसीलिए तो सब्सिडी आ रही है, कनेक्शन है। हाँ, इसकी शिकायत की आपने कहीं? ये शिकायत नहीं की, यही यही कागज दे जाते हैं और बार बार यही बोल देते हैं 2-4 दिन में कॉल आ जाएगा, 2-4 दिन में फोन आएगा, उसके बाद आपको कनेक्शन और सामान दे दिया जाएगा। यहाँ पे कई लोगों की शिकायत है कि उनको उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन हो चुका है लेकिन अभी तक सामान नहीं मिला। ऐसा है सर, जो मुझसे पहले जो स्टाफ था वो यहाँ से हटा दिया गया है। अब जैसे कोई भी कस्टमर आता है कि मुझे मेरी ये प्रॉब्लम है तो हम उनके सारा लेके वेरीफाई करा के उनको दे रहे हैं और कई सारे मैं दे भी चुका हूँ। 1 साल लगभग योजना को हो गया बंद हुए, लेकिन ये जो लापरवाही या कालाबाजारी हो रही है गैस एजेंसी का, इसको मालिक को अवगत कराया आपने? नहीं, ऐसा है ना, जो हमारे पास जब कस्टमर आएगा अपनी शिकायत लेके, भाई मेरी ये सब्सिडी की प्रॉब्लम है या फिर ये, और जो पैसे जो सब्सिडी वाले आ रहे हैं वो प्रधानमंत्री जी की तरफ से पहले से सबके अकाउंट में, जितने भी प्रधानमंत्री योजना के जितने भी अकाउंट हैं, जितने भी जो उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन हुए थे उन सबके में आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनके जो है, मुझे एक चीज़ बताइए आप, मेरा है सपोज करो मेरा कनेक्शन, हाँ जी, मैंने कागज जमा कर किए, मुझे सामान नहीं मिला तो सब्सिडी मेरी कहाँ से आ जाएगी? सब्सिडी ऐसा है कि जो पहले जो एडवांस जो सरकार ने दिया था वो सारे में दिया था, आप भराने से वो नहीं है, अब भराना आपको ये है कि आप उसके भराओगे जब अगली आपकी किस्त आएगी। जब मैं भराऊंगा, आप मेरे नाम से कनेक्शन है मैं भराऊंगा तभी तो मुझे सब्सिडी मिलेगी? नहीं नहीं, ये जो सरकार ने जो योजना बना चालू की थी उसके लिए क्या था कि पहले एडवांस में 1 रिफिल के पैसे दिए थे, ठीक है कि नहीं, अब उसको रिफिल को जो है पैसे को यूज करके आप दूसरा सिलेंडर ले सकते हैं उससे, उसके लिए सबके सारे जितने भी जो भी खाते हैं उन सबके में पैसा पहुँच गया। अब जो भी
आ रहा अपनी जो भाई समस्या लेके कि हमारे पास ये पैसा आ गया है भैया, तो हम उनसे कहते हैं भाई अपने डॉक्यूमेंट दे जाओ, हम कराए कि आप किस्त दे रहे हैं, हम सबको दे दिया। गैस एजेंसी की जो शिकायत हमें प्राप्त हुई है, इसके लिए मैं अपने उच्च अधिकारी जिला पूर्ति अधिकारी महोदय के यहाँ आपकी शिकायत मार्क करवाऊँगा और इसमें एक टीम गठित करवाऊँगा। टीम की रिपोर्ट आने के बाद उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, अगर कोई इस प्रकार की लापरवाही या घोटाला मिलता है तो क्या कार्रवाई आपके स्तर से की जाएगी? ये टीम द्वारा रिपोर्ट देने के बाद ही की जा सकती है, क्योंकि इसमें उनके कंपनी का एक सेल्स मैनेजर होते हैं, वो आएंगे, इसकी बारीकियों को जांचेंगे, क्या समस्या है वो बताएंगे। अच्छा, कुछ लोगों की ऐसा भी हुआ है, कुछ लोगों की सब्सिडी आ गई है खाते में लेकिन उनको सामान नहीं मिल पाया है? सामान नहीं मिल पाया है तो इसी बात की जांच की जाएगी कि अगर उस व्यक्ति का कनेक्शन इन्होंने किया है और उसके खाते में सब्सिडी आ रही है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इन्होंने कोई कालाबाजारी उसके नाम पे की है। इसी की जांच टीम द्वारा की जाएगी, क्योंकि इसकी बारीकियां इनके एजेंसी के कंपनी के लोग ही जानते हैं और उनकी रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई। इस आश्वासन को कितने दिन तक हम देखें? 4 से 5 दिन के अंदर 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।